स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बताऊंगा कि जम्मू के अंदर लगातार टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, वहां पे ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जो कि बहुत ज्यादा दयनीय है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। रिसेंट एक रिपोर्ट में ये देखने को मिला कि 35 से 40 फॉरेन टूरिस्ट जो है आज के टाइम पे जम्मू के अंदर एक्टिव है। तो इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है कि 35 से 40 जो फॉरेन जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके भारत के अंदर आ चुके हैं और वो अपनी मंशाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो अब जो है इन सभी सिचुएशन की वजह से वहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। लेकिन किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर की ये सिचुएशन हुई और अभी आगे क्या क्या जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है, एक बार उसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो ये सारी की सारी घटनाक्रम ना तब से शुरू होता है जब यहाँ पे 4 जून को एक अटैक होता है श्रद्धालुओं से भरी एक बस के अंदर, और उसके बाद से जो है हमें लगातार एक के बाद एक अटैक देखने को मिलते हैं। इस बस के अटैक के बाद जो है हमें देखने को मिला कि कठुआ जिले के अंदर जो है एक टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद डोडा डिस्ट्रिक्ट और इस तरीके से वहां पे काफी सारे जो है आर्मी पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ, तो वहां पे 5 सोल्जर्स को जो है यहाँ पे इंजरीज भी आई थी। तो इन सभी घटनाक्रम की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्पेशल टास्क जो पुलिस फोर्स होती है उनको भी बुलाया गया और वहां पे जो सिक्योरिटी है वह भी हाई अलर्ट पे है, क्योंकि ये पता चला है कि वहां पे 40 के करीब जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो अभी एक्टिव हैं और वो अपने आप को अलग अलग ग्रुप में बांट के अपनी जो भी प्लान्स है, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वो फुलफिल कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो टेररिस्ट है इन्होंने अपने आप को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लिया है और ये अलग अलग जगहों पे जाकर जो है टेररिज्म को अंजाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि बेसिकली अपने आप को ग्रुप्स में बांट के जो पहले जहाँ पे ये टेररिस्ट अटैक करते थे जैसे कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट, पूंछ और कठुआ, उन वाले जगहों पे भी ये पहुंच रहे हैं और वहां पे भी जो है अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं या फिर क्या मैसेज ये देना चाहते हैं गवर्नमेंट को। तो देखो यहाँ पे आपको सिंपल सी एक चीज पता है कि आर्टिकल नंबर 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया, उसके बाद जो है रैपिड डेवलपमेंट देखने को मिलता है पूरे जम्मू के अंदर और यहाँ पे जो है बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रही है, यहाँ पे बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं, यहाँ पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है और अभी इलेक्शन की भी यहाँ पे बात हो रही है। इन सभी वजहों से जो है काफी ज्यादा पीसफुल ये जो है रीजन माना जा रहा है और इसी की वजह से काफी ज्यादा खुशहाली थी और ये देखा जा रहा था कि अब जो है जम्मू एंड कश्मीर भारत के अंदर मिलता जा रहा है, यानी भारत का संपूर्ण रूप से जो एक हिस्सा कहा जाता है वो अब बनता जा रहा है। अब ये जो टेररिस्ट है ना ये सारी एक्टिविटीज को अंजाम देके ये प्रूफ करना चाहते हैं कि देखो अभी भी आज के टाइम पे भी जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ पे जम्मू के अंदर तैनात हैं और यहाँ पे पीस नहीं आई है। आपको पता है कि जो जम्मू है ना वो ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट आने का मतलब है कि उस एरिया का डेवलपमेंट, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट आते हैं तो उससे पैसा आता है। तो ऐसी चीजों को जो है यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं टूरिस्ट को भी कि भाई आप यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे टेररिस्ट है और यहाँ पे जो शांति है वो अभी अचीव नहीं हुई है। तो इस तरीके से जितनी भी कंपनीज है वो यहाँ पे नहीं आना चाहेंगे, जितने भी टूरिस्ट है वो यहाँ नहीं आना चाहेंगे और ये जो एरिया है वो हमेशा से अलग रहा है और इसको अलग ही कर देना चाहते हैं ये सारे के सारे टेररिस्ट। अब देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जम्मू कश्मीर का जो मैप है वो ये, तो ये है हमारा पूरा जम्मू का एरिया। अब जम्मू का जो एरिया है ना, देखो पहले क्या हुआ करता था कि जो टेररिस्ट है ना वो कहाँ पे अटैक करते थे, ये करते थे जम्मू के नॉर्दर्न वाले पार्ट में, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो तो, एक तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इसके बाद आपने देखा था पुलवामा अटैक, ठीक है, तो ये पूरा जो गढ़ था ना यहाँ पे बहुत ज्यादा अटैक होते थे पहले टेररिस्ट के। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब जो है कोशिश ये कर रखी कि पहले रियासी में इन्होंने अटैक किया, फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने किया, कठुआ में किया, ठीक है, तो ऐसे एरियाज में जो है अभी यहाँ पे भी फैलाना चाह रहे हैं। तो इनका सिंपल सा मतलब ये कि पहले यहाँ पे तो हम लोग कर ही चुके हैं और ये वाला जो एरिया जो ना यहाँ पे अछूता था इसको भी यहाँ पे इन्होंने टेररिस्ट से गंदा कर दिया है। तो ये पूरा मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे टेररिस्ट। लेकिन एक चीज जो है वो साफ है कि यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को अटमोस्ट बहुत ही जल्दी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि यहाँ पे शांति वापस से लेकर आई जा सके, क्योंकि आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा भय की कंडीशन वहां पे बनी हुई होगी कि वहां पे जैसे एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पे आर्मी कैंप के ऊपर जो है उन्होंने गोलीबारी करी थी, जिसमें वो क्या हुआ था कि वो पानी मांगने के लिए घर के पास गए, जैसे उन्होंने पानी मांगा तो लोगों को जो है कुछ अंदेशा हुआ कुछ गलत होने का, तो उन्होंने गेट बंद किया और इतने में फायरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। अब अगर बात करें यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, देखो यहाँ पे एक हाई लेवल कमेटी जो है मीटिंग करी थी, हालांकि इस कमेटी का जो उद्देश्य था वो कुछ और था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लगातार एक के बाद एक टेररिस्ट अटैक देखने को मिले उससे एक चीज तो साफ हो गई थी कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस चीज को एड्रेस करने में बिल्कुल नहीं चूकी होगी या फिर जरूर बात की होगी कि कैसे हम जो है काउंटर टेररिज्म को कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इससे कैसे इसको बचाया जा सकता है या फिर क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसीलिए स्पेशल पुलिस को जो है यहाँ पे बुला लिया गया है, बहुत सारी जो है सेनाओं पर यहाँ पे बुला लिया गया है जो जो क्या कर रही है हमारी बॉर्डर्स पर है और जो यहाँ पे बिल्कुल हाई अलर्ट के साथ ये चेक करने में लगे हुए हैं
कहाँ पे कौन सी गतिविधियां जो हैं अभी अंजाम देने वाले हैं। तो खैर देखना रहेगा कि यहाँ पे और हमारी गवर्नमेंट क्या प्लान करती है, क्योंकि जल्दी से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एंटायर जम्मू कश्मीर एंड फॉर दी इंडिया एज वेल। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो मेक श्योर कि आपके पास दो एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए, एक जो वीके वोकैब 24 और दूसरा है हमारा GK 24। वोकैब 24 पे आपको मिलते हैं जितनी भी इंग्लिश की प्रिपरेशन है वो आप सारी यहाँ से कर सकते हो, वहीं दूसरी और आपकी जो GK 24 है यहाँ पे आप कर सकते हो आपके GK GS करंट अफेयर, इन सब की प्रिपरेशन आपकी इसी ऐप से हो जाएगी। तो इन दोनों ही ऐप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।